दोस्तों, चटपटी रसोई में आपका स्वागत है। चटपटी रसोई में आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा विद टोमेटो प्यूरी। पोहा आपने ज़रूर खाया होगा, जनरली घरों में बनता रहता है नाश्ते के टाइम। तो आज हम स्पेशल नाश्ता तैयार करेंगे, आपने टोमेटो प्यूरी के साथ इसको नहीं खाया होगा। तो चलिए नया टेस्ट बनाते हैं आज। और इसके लिए मैंने लिया है ये एक मीडियम साइज़ का आलू, जिसको मैंने छोटे बारीक पीसेज में काट कर लिया है। और ये प्याज है एक मीडियम साइज़ का, इसको भी बारीक कट कर लिया है। एक मिर्च ली है मैंने। ये पोहा है एक बाउल, इसको अभी हम भिगोएंगे और फिर आगे का प्रोसेस आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये है टमाटो प्यूरी, ये मैंने इस साइज़ के 4 स्मॉल साइज़ के टमाटर को लेकर और मिक्सी में घुमाकर प्यूरी तैयार कर ली है। और इस प्यूरी को ही हम यूज़ करने वाले हैं, टमाटर हम यूज़ नहीं करेंगे। और ये है मूँगफली दाना। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं पोहा विद टमाटो प्यूरी। पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले लेते हैं और इसमें हम फ्राई करेंगे मूंगफली दाना। सबसे पहले हम मूंगफली दाना फ्राई करके और अलग निकाल लेते हैं। देखिए मैंने फ्लेम को थोड़ा सा तेज किया है और यहाँ पर सबसे पहले हम मूंगफली दाना फ्राई करके अलग निकाल लेते हैं। देखिए मूंगफली दाना हो गया है, अब मैं इसे अलग निकाल लेती हूँ। अब हम इसमें डालते हैं थोड़ी सी राई, थोड़ा सा ऑयल मैं इसमें और डाल देती हूँ। देखिए ये 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल है इसमें। और अब हम इसमें डाल लेते हैं राई, और राई के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। इसको अच्छे से मिक्स करके अब हम इसमें डाल लेते हैं आलू और हरी मिर्च। दो से 3 मिनट तक हमें इसको ऐसे ही लो फ्लेम पर ढककर ऑयल में ही पकने देना है। मैं फ्लेम को लो कर देती हूँ और अब हम तैयार कर लेते हैं तब तक पोहा। देखिए ये पोहा मैंने इस छलनी में 2 पानी से इसको मैंने पहले वॉश कर लिया है, धो लिया है। अब हम इसे टमाटो प्यूरी के अंदर मिक्स कर देंगे। तो मैं इस पोहा को पहले एक इस बर्तन में निकाल लेती हूँ। पूरा पोहा हम इसमें खाली कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसमें मिलाकर रखेंगे टमाटो प्यूरी। और ये प्रोसेस हमें थोड़ा जल्दी करना है ताकि पोहा क्या होता है जल्दी से गल जाता है। ये टमाटो प्यूरी हम इसके अंदर मिक्स करके रख लेते हैं इस तरीके से। पानी हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है जब हम धोएंगे, तो हमें मोटी छलनी आप ले लीजिए ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं रहे, क्योंकि टमाटो प्यूरी में भी ऑब्वियस सी बात है इसका रस होगा, पानी होगा, तो ये गल सकते हैं। देखिए इस तरीके से लगाकर और हम इसे रख देंगे। जब तक हमारे आलू और प्याज होकर तैयार होते हैं तब तक पोहा भी तैयार हो जाएगा। आलू और प्याज को हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट ये भी हो गए हैं। अब हम इसमें डालते हैं मसाले। मसाले का मैजिक जब तक चलेगा नहीं तब तक किसी भी सब्जी में और किसी भी रेसिपी में टेस्ट नहीं आ सकता। तो ये मैंने 1/4 टेबल स्पून मैंने ये हल्दी ली है और 1/2 टेबल स्पून मिर्च पाउडर
और हम लेते हैं हाफ टेबल स्पून ही नमक। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और साथ में ही हम डाल देते हैं मूंगफली दाना। बहुत ज्यादा मसाले इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है हमें। देखिए मैं हमेशा सब्जी में या किसी भी रेसिपी को बनाते हुए उसके कलर की बात करती हूँ। एक्चुअली क्या है, वो कलर आपका आएगा ही तब जब सारी चीजें सही टाइम पर उसके अंदर डली होंगी और बिल्कुल सही क्वांटिटी में, तभी वो ऐसा अच्छे सी जो रंगत होती है ना सब्जी की या किसी भी चीज को बनाते हुए, तो वो हमें तब दिखाई देती है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा ये पोहा। ये टमाटो प्यूरी के अंदर जो हमने पोहा डाला था, मैंने इसको फिर से छलनी में निकाल लिया था ताकि ये जल्दी से थोड़ा गले नहीं और सूख जाए। देखिए लग रहा है ना टेस्टी। हमें वो बस टमाटो प्यूरी वाला प्रोसेस थोड़ा फास्ट रखना है और पानी में ज्यादा देर तक उसको नहीं धोना है। पानी में एक बार आपने चलाया बस उसका पानी निकाला और तुरंत छलनी में ही धो, पानी अलग कहीं भर के बर्तन में और तब नहीं धोना। हमें छलनी में चलते हुए पानी में ही उसको करना है क्योंकि टमाटो प्यूरी में भी जो पानी है वो भी हम उसमें रखने वाले हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा लेमन, और जिसको थोड़ा सा खट्टा मीठा पसंद है वो लोग इसी समय हम इसमें अगर चीनी चाहें तो हम वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने ले लिया है लेमन जूस 1 टेबल स्पून। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बंद कर देते हैं 2 मिनट के लिए। बस सिर्फ 1 मिनट और पोहा तैयार। लीजिए दोस्तों, पोहा विद टमाटो प्यूरी बनकर तैयार है। गर्मा गर्म चटपटा नाश्ता आप भी इसे ट्राई करिएगा। ये बिल्कुल अलग टेस्ट है, जैसे हम बनाते आए हैं उससे थोड़ा सा अलग हमें टेस्ट में भी अलग लगेगा क्योंकि हमने इसके अंदर टमाटो प्यूरी ऐड की है। और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।